ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज पतरातू का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर हूँ। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एसोसरीज का टाइप्स के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिकल एसोसरीज हम लोग को वायरिंग में या घर का सभी में अहम भूमिका रखता है, इसलिए जनरल आदमी को इलेक्ट्रिकल एसोसरीज डिवाइस के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एसोसरीज के बारे में। देखिए, ये इलेक्ट्रिकल एसोसरीज, ये आपका एक बोर्ड बना है, डिस्प्ले बोर्ड बना है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एसोसरीज बोर्ड लिखा हुआ है। इसी इलेक्ट्रिकल एसोसरीज को हम लोग 5 भाग में बांटे हुए हैं। एक आपका पार्ट्स है होल्डिंग, ये आप कंट्रोलिंग डिवाइस है। कंट्रोलिंग डिवाइस का मतलब होता है कि हमारे घर में जितना भी अप्लायंस इलेक्ट्रिकल होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो इस कंट्रोलिंग डिवाइस में कई प्रकार का स्विच है, जैसे आपका पुश स्विच हुआ, लेकिन ये दोनों टम्बलर कहलाता है, उसी में एसपी स्विच भी कह सकते हैं। ये जो आपका इधर है ये टेनी स्विच है, जिसको फ्लश स्विच भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर भी आपका पुश स्विच है, ये डीपी स्विच है आपका। इसके बाद आपका जो है ये टॉगल स्विच है, ये आपका इंटरमीडिएट स्विच है, और ये आपका नाइट स्विच है। तो इस तरह से इतने प्रकार का स्विच जो है सभी कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं आपका होल्डिंग डिवाइस, जो इलेक्ट्रिकल एसोसरीज को होल्डिंग किया जाता है, होल्ड करके रखा जाता है। इसमें होल्डिंग में भी जितने प्रकार का होल्डर होता है सभी होल्डिंग डिवाइस कहलाता है। उसमें आपका जैसे ये ट्यूब लाइट का डबल होल्डिंग का होल्डर है, सिंगल ट्यूब लाइट का होल्डर है, पेंडेंट होल्डर है, इसके बाद स्क्रू टाइप का होल्डर है, इसके बाद एंगल टाइप का होल्डर है, स्टार्टर होल्डर है। तो इसके इस तरह से हम लोग जितने प्रकार के ये होल्डर्स लिखा हुआ है सभी आपका होल्डिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके नीचे हम लोग आते हैं तीसरा डिवाइस जो है आउटलेट जो डिवाइस है, जिससे कि विद्युत को हम लोग आउट लेते हैं। यह आपका जो है जैसे आपका ये है 5-pin सॉकेट विद स्विच है जो 6 एम्पियर का है, उसी तरह से ये आपका 5 सॉकेट पिन है जो स्विच विथ इंडिकेटर है, ये आपका 16 एम्पियर का है। फिर 2 पिन का है, ये 2 पिन का इंडस्ट्रियल है, ये 2 पिन का टम्बलर है। उस तरह से आपका इस तरह से लास्ट में यहाँ पर आपका मेल फीमेल जिसको बोलते हैं ये है, ये कनेक्टर है, ये भी कनेक्टर है। इसके बाद टॉप है 3 पिन का, ये 5 पिन सॉकेट है, इंडस्ट्रियल 3 पिन सॉकेट है, ये टम्बलर का सॉकेट है। तो इस तरह से ये आउटलेट यानी विद्युत को बाहर निकालने के लिए जो यूज करते हैं वह आउटलेट डिवाइस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं आपका सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस सर्किट का जो सेफ्टी देता है वो हमारा होता है फ्यूज। ये फ्यूज जो है कई प्रकार का होता है आपका। पहले तो जनरल एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है, एक सेमी टाइप होता है। 3 टाइप में से अभी हम लोगों का ये जो स्विच है ये सेमी टाइप होता है, जिसको किटकैट फ्यूज बोलते हैं। ये मटेरियल के अनुसार आपका अलग अलग है, जैसे चीनी मिट्टी का हो गया, ये बेकेलाइट का हो गया, इसके बाद ये क्लोज टाइप है ग्लास का फ्यूज है, इसके बाद HRC फ्यूज है, इसी में आपका HR फ्यूज है। तो ये फ्यूज जो हो गया आपका सभी सेफ्टी डिवाइस फ्यूज के अंतर्गत आता है। इसके बाद पांचवा हमारा जनरल आता है जनरल डिवाइस, जो इलेक्ट्रिकल एसोसरीज में जनरल डिवाइस के अंतर्गत आता है। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इधर से। ये भी जो है ये आपका जनरल में
आपका सीलिंग रोज, सीलिंग रोज भी दो टाइप्स होता है, टू प्लेट और थ्री प्लेट। इस साइड वाला देखते हैं थ्री प्लेट है और इस साइड वाला जो है टू प्लेट है। ये न्यूट्रल लिंक है, ये हमारा बेल है और ये हमारा जो है एक हुटर है और हमारा ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर थ्री फेज में यूज करते हैं, रेड येलो ब्लू। इसके बाद ये कैपेसिटर है एसी और डीसी का। इसके बाद ये आपका पुश स्विच है जो हीट रिलेटेड करता है और आपका ये वैक्यूम टाइप रिले है। इसके बाद इसी के आगे हम लोग चलते हैं, जैसे ये आपका इंटरमीडिएट स्विच बनाया गया है, यानी दो टू ए स्विच को मिला करके एक इंटरमीडिएट स्विच बनाते हैं जो सीरी वायरिंग में काम होता है। इस तरह का भी है जो है टॉगल स्विच है, इसको भी हम लोग इंटरमीडिएट स्विच बनाते हैं। ये हमारा स्टार्टर है, ये हमारा इंडिकेटर, ये आपका जो सोडियम वेपर लैंप में इग्नाइटर लगाते हैं, ये ट्रांसफार्मर है। ग्लैंड जो है केबल में लगाते हैं, ग्लैंड दो टाइप्स होता है, ये अनआर्मर केबल जो होता है उसमें ग्लैंड लगाते हैं और ये जो है आपका आर्मर केबल जो है उसमें ग्लैंड लगाते हैं। इसमें एक विशेष फेरुल लगा रहता है जो आर्मर को पकड़ के रहता है। इसके बाद यहाँ हम चलते हैं, आपका ये जो है फैन रेगुलेटर है और ये सभी हमारा एमसीबी के अंतर्गत में आता है। जैसे सिंगल पोल हो गया, टू पोल हो गया, थ्री पोल हो गया, फोर पोल हो गया, ये आरसीसी है। इसके बाद ये आपका जो है ब्लास्ट है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये ब्लास्ट है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम आपको सभी जो है इलेक्ट्रिकल एसोसरीज डिवाइस बोर्ड के बारे में बताए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसका यूज जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बताएंगे। तो इतना का क्लास में आप लोगों का इसको बढ़िया से देखना है, बस क्लास को क्लोज करते हैं। धन्यवाद।